नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। उजाले के इंतजार में ग्राम शिलावटी के रहवासी, गुना विधानसभा की पंचायत शिलावटी में नहीं है वर्षों से लाइट। मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी के अभाव में जी रहे ग्रामीण। कलेक्टर को दिया शिकायती आवेदन, शिलावटी पंचायत से आए सैकड़ों महिलाएं और पुरुष। जी हां, जिला गुना विधानसभा के अंतर्गत आने वाली पंचायत शिलावटी में एक गांव ऐसा भी है जहां आदिवासी सहरिया पिछड़ा वर्ग लाइट के लिए बरसों से तरस रहे हैं। कई बार आवेदन देने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। सत्ता और विपक्ष दोनों ही लाइट की व्यवस्था में फेल साबित हुए हैं। डिजिटल इंडिया के जमाने में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी के अभाव में ग्रामीण जीने को मजबूर हैं। गत दिवस पंचायत शिलावटी के सैकड़ों महिलाएं और पुरुषों ने एकत्रित होकर गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु एक आवेदन दिया। अब देखना होगा कि पंचायत शिलावटी के गांव में कब तक उजाला हो पाएगा। गुना से इंडिया खबर लाइव के लिए वीरो चीफ राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। क्या समस्या है आपकी? हमारे गांव में लाइट नहीं है। कौन सा गांव है? रमगढ़ा में डांग में नहीं, उससे थोड़े और आगे मोहल्ला है छोटा सा। तो आपने इसकी शिकायत करी कभी पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच साहब से या विधायक से? सबको की है, किसी ने नहीं सुनी। कितने समय से परेशानी है आपकी? वो तो शुरू से ये कभी यही नहीं है लाइट। तो इससे आपको क्या क्या परेशानी आती है बिना लाइट के? बिना लाइट के पूरी परेशानी है सबको, जैसे कि चोरी वगैरह भी हो जाती है और अंधेरे में बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाती उनसे सही से, इसलिए। और नीचे सोते हैं तो हम गरीब लोग हैं सहरिया, तो नीचे सोते हैं तो कुछ कीड़ा कांटे भी खा जाते हैं, जैसे सांप वगैरह। और बहुत सी समस्या है बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए। लाइट वगैरह की दिक्कत आती है, बच्चे पढ़ते हैं जो पूरी दिक्कत आ रही है बगैर लाइट की। आप क्या चाहती हो शासन से, प्रशासन से? लाइट आ जाए हमारे मोहल्ले में। अभी आप जो आवेदन देने आए हो कलेक्टर साहब के पास में, इससे पहले भी आए हो कि एक आध बार आवेदन? कई बार आ चुके हैं। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। मेरा नाम देशराज सिंह राजपूत। कहाँ पर रहते हो? ग्राम रमगढ़ा पंचायत सिलावटी। क्या परेशानी है? आज गाँव वाले क्यों आए थे कलेक्टर साहब के पास में? माननीय महोदय जी, गांव वाले, अब आपको एक समस्या हो तो बताएं। गांव में 2 किलोमीटर तक तो सड़क नहीं है, तो कोई भी बच्चा 8वीं 10वीं से ज़्यादा पढ़ा लेकर नहीं है वन पॉइंट। अगर कोई बीमार दुखी हो जाता है ना तो बात तो मौत का कगार ही देखना पड़ता है। बीच में एक इनके मोहल्ला में ढांग है जो आदिवासी और कुशवा रहते हैं वहाँ, 2-3 महीना पहले एक लड़का ख़त्म हो गया। लड़का ख़त्म, उसका करंट लगा, गुना ले गए, तब तक वो ख़त्म हो गया था। कुछ लोगों के आधार कार्ड हैं उस पर लिख रही है 50 साल, और जबकि भी 85 और 55 और 100 साल के उबे हो गए उनका, जी 60 साल आकर। तो शौचालय वगैरह बने कि नहीं? कोई से कोई है नहीं है कि भाई, स्थिति है कि जैसे वो खड़ी हो जाती है, कोई आना जाना होता है, वो सभी ने अपनी अपनी जमीन जगह पटा लगी। अभी आपने जो कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, इसमें कलेक्टर साहब ने क्या बात कही है आपसे? कलेक्टर महोदय ने बस यही, वो तो लास्ट में आए थे अभी, तो उन्होंने सिर्फ आवेदन ले लिया और कुछ मैडम वगैरह कुछ भी की प्राप्ति, तो उन्होंने प्राप्ति नहीं की, प्राप्ति नहीं दी। इसकी आपने शिकायत करी है? आपने इससे पहले कभी विधायक वगैरह को या जनप्रतिनिधि को? अभी जैसे जिनका डीपी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें कुछ लोगों ने कह दिया बस आपका 1 महीने बाद धरा हो जाएगा, अभी आपकी फसल बब रही है। तो ये सभी फसल भले काट लें, तुम ये बताओ कल ही एक गाड़ी मिली थी 2-4-8 दिन पहले, कब चोरी हो रही है, कुछ भी अगर होता है तो इसका। तो लाइट की समस्या कब से है गांव में? लाइट तो सिलावटी महंगी 60 डीपी, चक में महंगी 3 डीपी, रमगढ़ा में ये 1 डीपी, जबकि इनके पास जनसंख्या सभी कुछ है आदिवासी, इनके पास 1 भी डीपी नहीं है। कितने दिनों से लाइट नहीं है इनके यहाँ? इनके यहाँ से ही नहीं है जिंदगी से, कभी लाइट नहीं है। हाँ, इसका कुछ विपरीत जो लोग हैं ना वो गलत फायदा उठाते हैं, जैसे रात के लाइट नहीं है, 3 पीस से काम चलाते हैं, और 3 पीस के कारण ही उनके बच्चों का एक बेचारा लड़का खत्म। क्या समस्या है आपकी? समस्या लाइट नहीं है हमारे। कितने दिनों से नहीं है लाइट? तो नहीं,
शुरू से। आपने इसकी शिकायत करी सरपंच सेक्रेटरी या विधायक वगैरह से अधिकारी? नहीं, सुनवाई नहीं हुई। आपको क्या क्या परेशानी आ रही है और इसके अलावा गांव में? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो तो बिच्छू उतर तैयार दुनिया में लग के। आप क्या चाहती हो सरकार से? सरकार से जी चाहते हैं लग जाए। और आपकी क्या परेशानी है? गेहूँ वगैरह नहीं मिल रहा है। कितने दिनों से नहीं मिल रहा गेहूँ वगैरह? दो तीन महीना से नहीं मिले। तो गरीबी रेखा का राशन कार्ड था क्या आप लोगों को?